कर्नल सीओ साहब के मुबारक हाथों से मैच शुरू हो गया। आज का पहला क्वार्टर सेमीफाइनल सॉरी डिमेडोस रेड और हिमालयन ब्लू के दरमियान। हिमालयन ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए, ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए और ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए डिमेडोस रेड। तो सामीन एक बार आप तमाम लोगों का कर्नल विश्वनाथन पोलो स्टेडियम द्रास में आपका स्वागत है। इस बीच सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल की तरह लेते हुए नियाज डिमेडोस के कैप्टन बाल को खूबसूरत शॉट मार के बाल को आगे क्लियर कर रहे हैं। तो ये रिवायती हॉर्स पोलो इस वक्त कर्नल विश्वनाथन पोलो स्टेडियम द्रास में समर कार्निवाल 2024 का पहला सेमीफाइनल यहाँ चलने जा रहा है। इसका पसंद आएगा तो बाल को फिर से वापस शॉट करते हुए गोल पोस्ट के पास खतरा हो सकता है। हिमालयन के हाफ में गेम, बाल को आगे बढ़ाने में कामयाब हिमालयन के प्लेयर, लेकिन वहां घोड़े से गिरते हुए जहाज अली का खूबसूरत शॉट बाल को वापस कर दिया, लेकिन एक अच्छा मौका है यहां पे। बाल को रोकना चाहते थे लेकिन यहां तैयार आसिफ, लेकिन उससे पहले मेराज उससे पहले तैयार हो गए वहां बाल को वापस करने के लिए। फिर से बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ बशीर आसिफ, बाल को वापस करना चाहते थे पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अभी भी हिमालयन के हाथ में एक खूबसूरत शॉट मार के बाल को आगे बढ़ाया है गोल की तरह, लेकिन वहां दिफाई प्लेयर का उतना ही खूबसूरत शॉट मार के बाल को वापस कर दिया। तारीफ करनी होगी इस दिफाई प्लेयर का, एक अच्छा मौका जो बन रहा था बाल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अब मौका है यहाँ शुजात अली के लिए। खूबसूरत शॉट मारा शुजात अली ने, बाल को वापस कर दिया, लेकिन उतना ही बाल को वापस करना चाहते थे कामयाब हो गए। महबूब वहां मुर्तजा बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हिमालयन ब्लू के सबसे यंग प्लेयर्स हैं। तो यहाँ आपस में दो प्लेयरों के दरमियान ये मौका हाथ से जाने दिया हिमालयन के प्लेयर्स ने, वहां बाल को वापस करना चाहते हैं, देखना है कि कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन ये खूबसूरत शॉट मारा है बाल साइड लाइन के बाहर जा रही है नियास ने, नियास शुजात अली ये सीनियर प्लेयर है बशीर नजीर मुबारक शाह। इस बीच हमारे जाफर साहब यहाँ भी तशरीफ आवर हुए हैं और गुलाम कादिर जो पुराने जमाने के पोलो प्लेयर हुआ करते थे उनका स्पेशली स्वागत करता हूँ इस कर्नल विश्वनाथन पोलो स्टेडियम में सर। तो बाल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नियाज ने खूबसूरत शॉट मार के बाल को वापस कर दिया। कश्मकश चलता हुआ दोनों टीमों को के गिरे थे वो भी प्रेशर के कारण, क्योंकि जब प्लेयर पर प्रेशर आ जाता है तो वो घोड़े को पावर स्टीयरिंग की तरह घुमाते हैं, तो यही वाका है कि कई बार घोड़ा गिर जाता है। बहरहाल ये सारा खेल का हिस्सा है गिरना चढ़ना। तो यहाँ बाल फिर आ गए वहाँ बाल को लेकर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास फिरता हुआ, अभी तक खाता नहीं खोला है। यकीनी तौर पे यहाँ जो भी टीम खाता खोलेगी एक बार उसके बाद यहाँ भगे अब गोल पोस्ट की तरह शॉट के साथ घोड़ा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुर्तजा अली, मुर्तजा अली का खूबसूरत शॉट की तरह जा रहा है, लेकिन वहाँ दिफाई प्लेयर है जरूरी वहाँ बाल को रोकने में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन अभी भी बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आसिफ। हिमालयन के लिए एक अच्छा मौका है वहां गोल करने का, लेकिन वहां बाल को वापस कर दिया है। फिर से आसिफ का एक खूबसूरत चाल, लेकिन इस बार बशीर के घोड़े से लगते हुए बाल वापस, वरना यकीनी तौर पे खतरा हो सकता था यहां डिमिडोस के लिए। डिमिडोस के हाथ में ये गेम टाइगर हिल एंड की तरफ से गेम चलता हुआ मुर्तजा, मुर्तजा का खूबसूरत बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा मौका यहाँ टीम के लिए हिमालयन के प्लेयर्स बिल्कुल गोल पास, लेकिन वहां कैप्टन नियास ने बाल को वापस करने में कामयाब। कैप्टन नियास डिमिडोस के कैप्टन अब मुबारक शाह, लेकिन पूरी तरह वो शॉट को सही खेल नहीं पाए। तो बशीर का खूबसूरत शॉट बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वहां शुजात अली के लिए एक अच्छा मौका है, बाल को लेकर बैठ रहे शुजात अली को रोकना जरूरी होगा वरना तो ये आखिरी लम्हात में ये बाल को मिस करे और खूबसूरत शॉट मारा वहां बशीर ने, देखना है कि गोलकीपर बाल को बचाने में कामयाब हो गए। तारीफ कर दी होगी इस नौजवान गोलकीपर का जिन्होंने अब तक 2 से 3 गोल बचाने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ जो भी टीम गोल बनाएगी तो जरूर दूसरे मद मुकाबल टीम पे इसका दबाव साफ नजर आएगा, वैसे भी दोनों टीमें दबाव में नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 से ज्यादा मिनट हो चुके हैं अभी तक गोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों टीमें अपने आप दबाव में आ जाते हैं और सेमीफाइनल जो भी टीम यहां से जीत जाएगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। 1 तारीख को यहाँ पर फाइनल हो गए,
तो इसके मेहमान खुसूसी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूटी तशरीफ पावर हो रहे हैं, उसके अलावा आर्मी के सीनियर और सिविल के सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे। तो सामीन 3 तारीख को जो फाइनल होगा वहाँ। और यही नहीं, इसके साथ साथ के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन आसिफ की खराब वो इंतजार करते रहे। मैं आप बाल को लेकर आगे बढ़ने के लिए आसिफ के लिए एक अच्छा मौका है, बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, लेकिन यहाँ मौका हाथ से जाता हुआ, दो प्लेयर्स बाल को शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो गए। तो नियाज बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, नियाज शुजात अली बाल को क्लियर करने में कामयाब। एक दूसरे को स्टिक लगा के रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दोनों प्लेयर्स बाल को मिस कर पाते हैं। तो बहरहाल ये खेल का नियम है कि आप स्टिक लगा के आप हुकिंग कर सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो प्लेयर्स को। तो वहाँ उस बीच बशीर का लंबा शॉट, बॉल था लाइन के बाहर, तो वापस बाल को गोल पोस्ट की तरह, लेकिन उतना ही खूबसूरत और लंबा शॉट लगा के बाल को वापस कर दिया है। यहाँ डिफेंसिव प्लेयर ने मुबारक शाह बाल को रोकना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं। तो आसिफ बाल को लेकर आगे जाना चाहते थे, लेकिन मुबारक शाह का खूबसूरत शॉट वो पूरी तरह एक दूसरे को रोकने की। वहाँ इकबाल का खूबसूरत शॉट, बाल को गोल पोस्ट की तरफ पहुँचाने में कामयाब इकबाल, लेकिन वहाँ दिफाई प्लेयर है, देखना है कि रोकने में कामयाब होते कि नहीं। इकबाल के लिए अभी भी मौका है, लेकिन वहाँ बाल को बैक शॉट लगा के वापस करने में कामयाब। बशीर बाल को आगे बढ़ाने में कामयाब, क्लियर करने में खतरा हो सकता था। शुजात अली, अब एक अच्छा मौका है शुजात अली के लिए, यहाँ बाल को लेकर गोल पोस्ट की तरह जाने के लिए। शुजात अली बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, लेकिन वहां दिफाई प्लेयर बाल को वापस करने में कामयाब, रोकने में कामयाब। बशीर का खूबसूरत शॉट, फिर से बाल को वापस करने में कामयाब यहां महबूब। फिर से नियाज बाल को गोल पोस्ट की तरफ पहुंचाने में कामयाब, वहां गोलकीपर का खूबसूरत शॉट, बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, लेकिन जल्दी से आप बाल को हार गई थी डिमिडोस रेड से। तो एक अच्छा मौका है यहाँ इकबाल के लिए, और खूबसूरत शॉट मार के बाल को आगे बढ़ाया हिमालयन के प्लेयर्स ने, लेकिन वहां रोकने में कामयाब यूनुस डिमिडोस के। आप फिर से मुर्तजा के लिए, मुर्तजा लेकिन इस बार नाकाम रहे। तो शुजात अली भी इस बार डायरेक्शन को शायद ठीक नहीं कर सके, तो मुर्तजा बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, लेकिन कई बार घोड़ा साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से वो बाल को मिस कर पाते हैं। यहाँ पे घोड़ा और प्लेयर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी, अगर थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो आप बाल को मिस कर पाएंगे। तो इसीलिए इस खेल को खेलों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मैन और एनिमल दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और बिलखसूस ये ट्रेडिशनल पोलो के घोड़े, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेडिशनली यहाँ पे खेलते हैं। तो कुछ अगर यही खेल आप अगर इंटरनेशनल लेवल में देखें तो आप बहुत सारे फॉल्स वगैरह रूल्स वगैरह इस पे अप्लाई होते हैं, लेकिन वहाँ बशीर वहाँ पे लेना चाहते थे नियास, लेकिन उसको रोक दिया है। आप बाल को लेकर आगे बढ़ रहे, शुजात अली बाल को लेकर आगे बढ़ रहे। तो पहला हाफ का यहाँ खेल चलता हुआ अभी हिमालयन के हाफ में, बाल को वापस करने में यहाँ, लेकिन इस बार बशीर के घोड़े ने बाल के पैरों से लगता हुआ बाल फिर से वापस, वहां शुजात अली बाल को लेकर आगे बढ़ रहे। शुजात अली का खूबसूरत शॉट, देखना होगा ये बाल थर्ड लाइन के बाहर लगा हुआ है। तो आप कोई भी शायकीन वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो उस बीच एक खूबसूरत शॉट फिर से नियाज कैप्टन का, 2 नंबर की जर्सी पहने हुए बाल को गोल पोस्ट की तरह लेने में कामयाब, लेकिन वहां महबूब बाल को वापस करने में कामयाब। फिर से अटके हुए हैं, महबूब के पास मौका है, महबूब बाल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट मार के बाल को आगे बढ़ाया हिमालयन ब्लू के प्लेयर्स, लेकिन ये गलत खराब नहीं थी, ये दोनों प्लेयर आपस में बाल लेने के चक्कर में ये मौका गवा दिया। तो यही आगे जाके इनके लिए बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये खेल का एक हिस्सा है कि जब भी शुरू में गोल नहीं होता है तो टीम ऑटोमेटिकली दबाव में चली जाती है। एक बार फिर बाल साइड लाइन के बाहर, मजीद 6 मिनट का वक्फा बाकी है, यहाँ देखना है इस बचे हुए 6 मिनट में क्या कारनामा करते हैं। यहाँ मुबारक शाह बाल को रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं हो गए, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट मार के
यूं ही उसने बाल को वापस कर दिया। फिर से मुर्तजा, मुर्तजा काफी आराम से आ रहे थे, उससे पहले बशीर तेज चलते हुए बाल को रोकने में कामयाब। तो शुजात अली का खूबसूरत सा यकीनी तौर पर ये गोल बचा और ये गोल शुजात अली ने गोल कर दिया टीम के। एक शुजात अली अपने घोड़े को दौड़ाते हुए ठीक सेंटर लाइन तक लेकर आएंगे और वहां से शॉट करेंगे, जिसको रिवायती पोलो में डफक कहते हैं। इसके पीछे कप्तान नियाज, नियाज का खूबसूरत चाल गोल होने के लिए सीधा, लेकिन वहां बॉल को रोकने में कामयाब। फिर भी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा बिल्कुल टला नहीं है। दूसरा गोल की तैयारी में बिल्कुल हिमालयन के हाथ में एक गेम हो रहा है। थोड़ा सा गलत नीति से खेलते हुए हिमालयन के प्लेयर्स, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा कि एक गोल करने में कामयाब हो गए। यहाँ पे अभी भी खतरा टला हुआ और बॉल गोल पोस्ट के करीब चल रहा है। 1-0 से यह मुकाबला जारी। बशीर के लिए एक मौका है यहाँ पे, बशीर टीम के सीनियर प्लेयर, और ये गोल कर दिया है। दूसरा गोल कर दिया यहाँ टीम टिमिडोस के बशीर ने, 15 नंबर की जर्सी पहने हुए। नियाज घोड़े को दौड़ाते हुए ठीक सेंटर लाइन तक आएंगे, वहां से शॉट खेलेंगे, जिसको रिवायती पारों में टपक कहते हैं, लेकिन ये शॉट खेल नहीं पाए। लेकिन बशीर भी चूक गए हैं, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट यहाँ पे, ना आपको एक्साइट होने की जरूरत है, ना प्रेशर लेने की जरूरत है, कूल होके खेले वही अच्छा होगा। तो यहाँ मुबारक शाह बाल को वापस करने के लिए। 2-0 से मुकाबला जारी है। आसिफ बाल को लेके गोल पोस्ट की तरह जा रहा है हिमालयन के प्लेयर्स, काउंटर अटैक करते हुए। एक अच्छा मौका है हिमालयन के प्लेयर्स के लिए वहाँ, लेकिन वहाँ यूनुस वापस करने में जरूर कामयाब हो गए। एक नहीं दो बार तीसरी कोशिश उनकी कामयाब हो गई। तो 2-0 से यहाँ मुकाबला चलता हुआ। खतरा हो सकता है शुजात अली को अगर आप छोड़ देंगे तो। रेफरी से गुजारिश है कि आप मैच को रोके। तो सामीन, इस तरह पहला हाफ यहाँ पे खत्म हो चुका है। 10 मिनट का यहाँ पे रेस्ट होगा, उसके बाद आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है इस कर्नल भूषण नाथन पोलो स्टेडियम, कर्नल भूषण नाथन पोलो स्टेडियम जो 99 में जो शहीद हुए थे उसी जंग के दौरान, तो उन्हीं के याद में ये पोलो स्टेडियम हमने रखा है। तो अभी हमारी जो टीम है, इसके बाद नेक्स्ट एक और सेमीफाइनल होगा, एक अच्छा मैच जो हमारी यहाँ की लास्ट ईयर की अपना नाम भी बताएंगे। खूबसूरत समा यहाँ, जहाँ कहीं भी हो यहाँ तशरीफ लाए। I am Anushree and I am from Gujarat. I mean, I am with Hina for the very first time, and while visiting Ladakh, I just looked for other tools where I didn't found that Thras is there here, but Hina did provide that.
उसके बाद दोनों हॉस्पिटलिटी दैट वी हैव हियर विद रिस्पेक्ट टू हीना एंड द पीपल अराउंड हियर ऑल इन हियर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ अस and looking the environment around, I think we have not had any issues as of today, and I feel that we'll not have in future as well. So yeah, I really really suggest to work with this tour and visit this city, because this is very beautiful, and yeah, I am really happy with the place and the people around. Thank you so much. Thank you, ma'am. Visiting Dras from Gujarat, and I am very proud Indian today to visit the military base camp of Vikram Batra sir, which was a proud moment for me, and to see the polo here game, which is here very important for them. Working with Hina and visiting Dras was a very glad experience, and the people around here and the hospitality they provided was amazing. I suggest everyone to visit this once in a life. Thank you. आराम से कूल माइंड वाला सब जानते हैं कि यहाँ का मार्शल आर्ट के भी मुकाबले यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे मशहूर मार्शल आर्ट के प्रोग्राम भी दिखाएंगे फाइनल में। तो काफी मशहूर मार्शल आर्ट के प्लेयर्स हैं वसीम हसन, इनकी कयादत में यहाँ मार्शल आर्ट भी फाइनल को देखने को मिलेगा। बिल्कुल हिमालयन के हाथ में ये गेम होता हुआ 25 के करीब बाल को क्लियर करने में कामयाब नहीं, लेकिन इस बार घोड़े के पैरों से लगता हुआ फिर से वापस अभी खतरा टालने में बाल को वापस करने में कामयाब, कुछ हद तक खतरा को टालने में कामयाब जरूर हो गए। यहाँ बाल मुर्तजा कामयाब हो गए लंबा शॉट मारने के लिए, बाल को लेकर आगे बढ़े हैं हिमालय के कप्तान मुर्तजा, सबसे यंगेस्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट के, 18 साल के नौजवान प्लेयर्स। अभी तो बाल था लाइन के बाहर, लेकिन अभी बाल को शॉट मार के वापस कर लिया, था लाइन की तरह जाते हुए वहां शुजात अली के डिफेंस में बाल के लिए खराब शॉट, शुजात अली का बाल थोड़ा तोड़ते हुए शुजात अली बाल को लेकर आ रहे, नहीं शायद बशीर को दे दिया बाल, बशीर बाल को लेकर आ रहे, ठीक सेंटर लाइन के बाद मारेंगे और यह खूबसूरत शॉट बशीर का, लेकिन वहां बाल को वापस करते हुए कामयाब मुर्तजा, अपनी दुनिया में मस्त, बाल को कामयाब नहीं हुए मुर्तजा। बशीर वहां हिमालय के प्लेयर शॉट, मुर्तजा उससे पहले आप बाल को क्लियर करते हुए कामयाब, यूनुस बाल को आगे क्लियर करने में कामयाब, यूनुस के पास आसिफ, यूनुस लेकिन यूनुस कामयाब हो गए, लेकिन वहां नियाज के घोड़े से लगता हुआ फिर से आसिफ के लिए इस बार मौका, आसिफ नाकाम तो नियाज के लिए अच्छा मौका है, नियाज का खूबसूरत शॉट, नियाज का खूबसूरत शॉट, बाल को लेकर आगे जा रहे बशीर, देखना है बशीर बाल को आगे बढ़ाने में कामयाब, उनके लिए खतरा होगा और ये यकीनी तौर पर गोल से बचाने में जरूर कामयाबी मिली है, गोल से बचाने में कामयाब मिली होगी, तारीफ कर दी होगी, शुजात अली चूक गए इस बार, पूरा मौका था शुजात अली के लिए टीम के लिए पांचवा गोल कराने का, तो मजीद मैच के लिए, लेकिन वहां खराब और जल्दी में शॉट खेला मुबारक शाह ने। ठीक सेंट्रल लाइन पे मुकाबला चलता हुआ, एक दूसरे को रोकने के लिए बहरहाल
हिमालयन के प्लेयर्स ने एक लंबा शॉट मार के बाल को गोल की तरफ पूछा है, लेकिन दो दिफाई प्लेयर वहां, देखना है कि मौका होता है कि नहीं। दो दिफाई प्लेयर बाल को मार के बाल को वापस कर दिया। नजीर बाल के पीछे, नजीर टीम के सबसे भरोसेमंद प्लेयर। तो वहां रोक के रखा था, लेकिन अभी यहां से तो दोनों टीमों ने एक अच्छा मुकाबला यहां देखने को मिला। तो इसके बाद दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल होगा यहां, तो दोनों टीम से गुजारिश है कि वो यहां आ जाए। बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जाकिर, तो एक खूबसूरत शॉट मारा है यहां गोल लाइन के लिए, देखते हैं कि ये गोल, पहला गोल कर दिया यहां हिमालयन रॉयल ने टीम के लिए। मुश्ताक टीम के कैप्टन मुस्तफा घोड़े को दौड़ाते हुए सेंट्रल लाइन की तरह दौड़ा रहे हैं, ठीक मुस्तफा टीम के कैप्टन पहला गोल मार दिया अपना ही पहले ही राउंड में, ठीक सेंट्रल लाइन तक दौड़ा गया, खूबसूरत शॉट मारा है मुस्तफा ने, और वहां रोकने की कोशिश थोड़ी सी जरूर कामयाबी मिली है, और उतना ही खूबसूरत शॉट दूसरा गोल की तरफ दिया है, बचा दिया है वहां पे, बहुत खतरा हो सकता था टीम के लिए। तारीफ करनी होगी गोलकीपर, यकीनी तौर पे ये खूबसूरत गोल बचाने में कामयाब यहां टीम गोशन पैंथर्स की टीम। तो पहला राउंड का खेल यहां चलता हुआ, बाल को वापस, तो बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं गोशन के प्लेयर्स। गोशन के प्लेयर्स के लिए एक अच्छा मौका यहां, और ये खूबसूरत शॉट मारा है गोशन पैंथर्स के प्लेयर, बाल साइड लाइन की तरह जा रही है, लेकिन वहां से अभी भी अटकी हुई, बाल को वापस करने में थोड़ा सा कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन बैक शॉट मार के बाल को फिर से वापस कर दिया, अटकी हुई बाल साइड लाइन के पास, वहां बाल को थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ाया है हिमालयन के प्लेयर ने, फिर से वापस बैक शॉट मार के, तो एक खूबसूरत शॉट जाकिर का, बाल को लेकर मुस्तफा आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा मौका है मुस्तफा के लिए फिर से मुस्तफा, लेकिन इस बार बाल को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वहां से खूबसूरत शॉट गोशन के प्लेयर्स का, एक शून्य से मुकाबला चलता हुआ। अली मुमताज अली बाल को लंबा शॉट मार के बाल को वापस करते हुए, तो वहां जाकिर का खूबसूरत शॉट, जाकिर बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा मौका है फिर से गोल करने का यहां हिमालयंस के प्लेयर के लिए, बिल्कुल गोल पोस्ट के पास, देखना है कि गोल होता है कि नहीं, बाल थाल लाइन के बाहर अभी, और ये बाल थाल लाइन के बाहर जा चुकी है, अच्छा मुंह बनाए पूरी तरह अबर आलूत, और खूबसूरत शॉट वहां गोशन के प्लेयर्स का, लेकिन बाल को कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर से यहां मौका है, एक लंबा शॉट मार के बाल को गोल पोस्ट की तरफ पूछा है, तो ये गोल मारा है यकीनी तौर पर, और ये मुस्तफा ने बॉल मार दिया है टीम के लिए दूसरा गोल, एक खूबसूरत पास दिया था मुस्तफा, दूसरा गोल करने में कामयाब आप बाल शाहिद, नहीं सॉरी मुस्तफा मुख्तर, मुश्ताक को दे दिया था सॉरी बॉल। तो यहां काफी तेज चलता हुआ, लेकिन यहां गोशन के प्लेयर आराम से बचे हुए हैं, और उतना ही खूबसूरत शॉट मुमताज अली का, बाल को लेकर वापस बढ़ रहे, अटका हुआ, तो यहां जाकिर कामयाब बाल को क्लियर करने में, मुमताज अली मुस्तफा बाल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन जाकिर ने खूबसूरत वहां पे घोड़े से गिर गए, तो मैच को रोके, तो राउंड का खेल जारी। तो ये खूबसूरत तो लंबा शॉट, लेकिन बाल को रोकते हुए कामयाब वहां, खतरा हो सकता है इस वक्त गोशन के हाथ में मुकाबला,
एक सुनहरा मौका हाथ से जाते दे रहे, फिर से एक मौका मिला है इनके लिए, यहाँ गोल पोस्ट की तरह जा रही है, देखना है कि बाल गोल, ये तीसरा गोल कर दिया है, तीसरा गोल करने में कामयाब हिमालयन रेड। बॉल को लेकर मुस्तफा सेंटर लाइन की तरह दौड़ते हुए अपने घोड़े को जोर दौड़ाते हुए, पहला राउंड का खेल जारी, मुस्तफा अपने घोड़े को तेज दौड़ाते हुए ठीक सेंटर लाइन तक आएंगे, वहां से शॉट खेलेंगे और ये खूबसूरत शॉट अली का, तारीफ करनी होगी गोशन के प्लेयर्स का, बिल्कुल गोल पोस्ट के पास से ये बॉल को वापस करने में कामयाब और ये था लाइन के बाहर, खतरा टलता हुआ गोशन के सर से, फ्री हिट मिला है गोशन के लिए 5-0। पहला हाफ का खेल और वहां मुमताज अली का खूबसूरत और लंबा शॉट, इस वक्त मुकाबला चलता हुआ तो बैक शॉट मार के फिर से एक अच्छा मौका यहां गोल करने के लिए, देखना है कि लंबा शॉट लेकिन खराब शॉट यहां जाकिर का, वरना एक और सुनहरा मौका था टीम के लिए यहां गोल करने का, खूबसूरत तरीके से बॉल को रोक दिया मुस्तफा ने, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां लियाकत अली का, उतना ही खूबसूरत बैक पास करके यहां बॉल को फेंके, मेहरबानी वहां से दौड़ के मेहरबानी रेफरी, बॉल को लेकर आए, बॉल साइड लाइन के बाहर जा चुके, प्लेयर्स ग्राउंड के बाहर ना जाए, तो एक खूबसूरत शॉट वहां मारा था लेकिन वहां पे फिर से बॉल को वापस करते हुए, तो हाँ मुस्तफा ने फिर से बॉल को शॉट मार के वापस कर दिया, एक तेज आंधी चलती बॉल थर्ड लाइन के बाहर, तो रेफरी ने लंबा विसिल मारा, इसका मतलब पेनल्टी हो गया यहां पे, बाल को लेकर आगे बढ़ते हुए गोशन के प्लेयर्स, एक अच्छा मौका गोशन के प्लेयर्स के लिए, लेकिन वहां तारीफ करती होगी एक लंबा शॉट मार के, पाशुनी से मुकाबला जारी, यहां गोशन के प्लेयर्स का लंबा शॉट, बाल थर्ड लाइन की तरह जा रहा है, देखना है कि कामयाब होते कि नहीं प्लेयर बचाने में, तो प्लेयर बैक शॉट मारने में जरूर कामयाबी मिली है हिमालयन के प्लेयर्स को, तो मुस्तफा लंबा शॉट मार के बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे मुस्तफा, लेकिन वहां बॉल को वापस करने में कामयाब, तो बॉल लंबा शॉट और बॉल थर्ड लाइन की तरह जा रही है, यकीनी तौर पे वहां रोकने में कामयाब होते कि नहीं, अरे रोक दे, अरे फॉल, यहां काफी खूबसूरत शॉट मारा था, यहां तारीफ करनी होगी लेकिन गोल की बजाय थर्ड लाइन के बाहर, तो फिर से बाल की पोजीशन बनाएंगे यहां मंजूर, और यहां मुबारक शाह टीमिडोस टीम के प्लेयर जो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए, उस बीच खूबसूरत लंबा शॉट लॉफ्टेड शॉट खेला हुआ था, खतरा हो सकता है यहां बिल्कुल गोल पोस्ट के पास, और ये यकीनी तौर पे गोल होना चाह रहे, गोल छठा गोल, आज मुस्तफा बिल्कुल डेंजर मैन साबित हो रहे हैं, 6-0 से मुकाबला जारी, बॉल को लेकर 4 नंबर की जर्सी पहने हुए, 4 नंबर की जर्सी पहने हुए प्लेयर्स हिमालयन के घोड़े को दौड़ाते हुए, अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली मुश्ताक सॉरी मुश्ताक का एक लंबा शॉट, गोल पोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार, और ये यकीनी तौर पे गोल कर दिया, और ये 7वां गोल कर दिया अब्दुल अजीज ने, इस बार ये 7वां गोल कर दिया अब्दुल अजीज ने, अब्दुल अजीज काला घोड़े में चढ़ के आखिरी लम्हात में उन्होंने सिर्फ दिशा दिखाया, वरना मुश्ताक का शॉट खूबसूरत शॉट था टफक, तो बॉल को लेके 7-0 से अब्दुल अजीज स्वयं बॉल को लेके टफक की तरह काला घोड़े में दौड़ते हुए सेंटर लाइन की तरह आ रहे हैं अब्दुल अजीज, और ये खूबसूरत शॉट अब्दुल अजीज का,
तो बिल्कुल गोल, और ये गोल कर दिया, आठवां गोल भाई, गोल ये आठवां गोल कर दिया है। तो बॉल को लेकर सेंटर लाइन की तरह आ रही है, मजीद 5 मिनट से कम वक्फा बचा है यहाँ पहला हाफ का, 4 मिनट का वक्फा बचा है। तो बॉल को लेकर जाकिर आ रहा है सेंटर लाइन की तरह, तो एक लंबा शॉट यहां मुस्तफा का, लेकिन बॉल थर्ड लाइन की तरह जा रही है, देखना है अभी भी खतरा टला नहीं, लेकिन जाकिर का शॉट तो है। मुस्तफा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे गोल पोस्ट के पास, लेकिन वहां गोशन के पुलर का खूबसूरत शॉट बॉल को वापस करने में कामयाब, अली अली का खूबसूरत शॉट, लेकिन जाकिर के घोड़े से लगता हुआ वापस, तो फिर से बाहर, ये नवा गोल की तैयारी के लिए वहां गोलमैन, बाकी गोलमैन रोक तो नहीं पाया, लेकिन कोई भी प्लेयर नहीं है, फिर से गोलमैन दूसरा शॉट मारने में कामयाब, बॉल को क्लियर करने में कामयाब गोल मैन गोशन के। तो अली का खूबसूरत शॉट, बैक पास देते हुए अपने प्लेयर्स को, तो देखना है कि गोशन का प्लेयर्स बॉल को क्लियर करने में कामयाब। मजीद 2.5 मिनट का वक्फा बाकी, लेकिन खूबसूरत और तेज शॉट बॉल थर्ड लाइन के बाहर है। तो यहाँ मुमताज अली खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हो गया। अब्दुल अजीज का खूबसूरत और लंबा शॉट बाहर गोल लाइन की तरह जा रहा है, यकीनी तौर पे नवा गोल होना चाहिए, यहाँ देखते हैं कि नहीं बॉल को रोकने में, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बॉल थर्ड लाइन के बाहर। अब फिर से यहाँ एक अच्छा मौका, यकीनी तौर पे नवा गोल, और ये गोल कर दिया है मुमताज अली ने, सीधे एक लंबा शॉट मार के बॉल को गोल के अंदर। इस तरह की अगर आप प्लेयर्स को फ्री छोड़ देंगे तो वो खतरा हो सकता है, खासकर गोल स्कोरिंग एरिया में, बिल्कुल आपको प्लेयर को छोड़ना नहीं होगा। तो बहरहाल ये सारा खेल का हिस्सा है, तो 9-0 से ये मुकाबला चलता हुआ, अंतिम 1 मिनट से कम का वक्फा बचा हुआ है। तो दौड़ाते हुए मुमताज अली बाल को दौड़ाते हुए लेकर आएंगे, शॉट का अलाउड होगा, अगर शॉट में सीधे गोल होगा तो गोल दिया जाएगा, वरना मैच वहीं पे। तो रेफरी से गुजारिश है गेम को रोके, रेफरी पहला हाफ खत्म हो चुका है, गेम को रोके, बॉल को रोके, मेहरबानी बॉल को रोके, तो आप वहां पानी हासिल करें, तो पानी वगैरह पी के रिफ्रेश हो जाए, 5 मिनट का आपको वक्फा मिलेगा, उसके बाद अंतिम राउंड का खेल यहां पे होगा। तो फिर से यहां दूसरा और अंतिम राउंड का खेल यहां जारी शुरू हो चुका है, बाल को लेकर जाकिर आगे बढ़ रहे हैं, हिमालयन के प्लेयर्स, बिलाल का खूबसूरत शॉट और लंबा शॉट बाल को लेकर गोल पोस्ट की तरह जा रहा है मुस्तफा, लेकिन मुस्तफा कामयाब नहीं हुआ। फिर से शॉट मार के बाल को वापस कर दिया गोशन के प्लेयर्स ने, खूबसूरत शॉट, रेफरी ट्राई बिल्कुल गोल पोस्ट के पास, एक अच्छा मौका है गोल करने का, और ये देखा गोल, तो ये 10वां गोल कर दिया टीम के लिए, गोल कर दिया, बॉल को लेकर सेंटर लाइन की तरह आ रहे हैं, घोड़े को दौड़ाते हुए शायद मुमताज अली काले घोड़े में दौड़ते हुए शॉट नहीं मार पाए, लेकिन यहां मुस्तफा भी, तो बिलाल कामयाब बॉल को लेकर आगे बढ़ने के लिए, क्वेश्चन के प्लेयर बॉल को रोकने में थोड़ा सा कामयाबी मिली थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, लेकिन अब कामयाब हो चुके हैं, बॉल को लंबा शॉट मार के बॉल को आगे बढ़ाया मुस्तफा का खूबसूरत शॉट, वापस बॉल को कर दिया है, एक अच्छा मौका यहां, तो 11वां गोल कर दिया यहां टीम का, ये झंडे को ठीक करें मंजूर, झंडे को भी ठीक करें मेहरबानी, झंडा गिर गया, तो बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं बिलाल, बिलाल का खूबसूरत शॉट, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुस्तफा के लिए एक अच्छा मौका है फिर से, और ये खराब शॉट, बॉल थर्ड लाइन की तरह जा रही है और थर्ड लाइन के बाहर, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अजीज ने बेक शॉट बॉल को वापस कर दिया, फिर से बॉल को वापस करने के लिए मुस्तफा, मुस्तफा बॉल को लेकर वापस जा रहे हैं मुस्तफा, लेकिन आखिरी लम्हा पे कंट्रोल नहीं करे अली, अली का खूबसूरत शॉट, लेकिन बाल थोड़ा टेढ़ा जा रही है, थर्ड लाइन की तरह जा रही है, अगर देखते हैं कि वह रोकने में कामयाब होते कि नहीं, लेकिन गोशन के प्लेयर तो कामयाब नहीं हो गए, बॉल को लेकर जाकिर सेंटर लाइन की तरह दौड़ रहा है, जाकिर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए 4 नंबर की जर्सी पहने हुए जाकिर, तो यहाँ शॉट खेलना चाहते थे
कामयाब नहीं लेकिन मुस्तफा नहीं आमिश्ता मेरा माशा की तरह मुस्तफा मुस्तफा कहते हैं मुस्तफा घोड़े को दौड़ाते हुए सेंटर लाइन की तरह दौड़ रहे ठीक सेंटर लाइन पे पूछा और एक लंबा शॉट मारा है खूबसूरत शॉट लेकिन बॉल की डायरेक्शन बिल्कुल खराब बॉल थर्ड लाइन के बाहर जा रही है बॉल थर्ड लाइन के बाहर एक खूबसूरत शॉट मारा अगर ये सीधे रखता तो ये सीधे गोल पोस्ट पे जाता क्योंकि दिवाई कुलर सिर्फ गोल कीपर वहां बाकी था तो अभी तक गोल 13 गोल लगा चुके हैं 13 गोल तो 13-0 से मुकाबला बॉल की पोजीशन बनाते हुए मुबारक शाह ने बॉल की पोजीशन बनाया फ्री हिट के लिए वहां पोजीशन का प्लेयर का लंबा शॉट उसको रोक के आगे जा रहे हैं मुमताज अली कामयाब नहीं हो गए बिलाल जाकिर दबा रहा है शॉट और गोल ये 14वां गोल मारा है टीम ने 14वां गोल मार के बॉल को सेंटर लाइन की तरह लेकर आ रहे हैं जाकिर नहीं सलाउद्दीन को दे रहा है शायद हाँ आपने सबसे जूनियर प्लेयर को दे दिया बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो ब्लैक हेलमेट पहने हुए अपना बॉल लेके जिसको रिवायती पोलो में डफोक कहते हैं ठीक सेंटर लाइन से शॉट मारेंगे और ये खूबसूरत शॉट बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट 14-0 से मुकाबला चलता हुआ आखिरी राउंड का खेल यहां जारी मुमताज अली बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है ब्लैक काला घोड़े में दौड़ते हुए मुमताज अली तो खूबसूरत शॉट मुमताज अली का यकीनी तौर पर यह 16वां गोल की तैयारी बॉल गोल लाइन की तरह जा रहा है देखना है कि वह प्लेयर कोई भी नहीं है और यकीनी तौर पर जाना चाहिए 16वां गोल वहां पे जाकिर बाल की डायरेक्शन को चेंज करने बैठे थे तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन जाकिर बाल को लेके खुद आ रहे हैं गोल मार दिया है जाकिर ने 16वां गोल 17वां गोल की तैयारी के लिए घोड़े को दौड़ाते हुए मैच के आखिरी लम्हात बचे हुए हैं 2 मिनट से कम का वक्त है देखना है कि टीम क्या कारनामा दिखाती है तो वहां बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो गोशन के प्लेयर्स बाल के पीछे रोकना चाहते थे लेकिन कामयाब जरूर हो गए गोशन के प्लेयर्स खूबसूरत शॉट मार के बाल को वापस कर दिया वरना बिल्कुल तैयार थे यहाँ गोल तो ये गोशन ने गोल मार दिया है आखिरी लम्हात में तारीफ करनी होगी अब देखेंगे कि चलिए फोन अब गोल का मौका है गोशन की टीम के लिए यकीनी तौर पे इस बार गोल होना चाहिए और ये गोल कर दिया है गोल कर दिया है तो अब कुछ मिनट्स का खेल बाकी है यहाँ कुछ सेकंड्स का सॉरी एक गोल मार दिया है तो कैप्टन बॉल को लेकर आ रहे हैं गोशन के प्लेयर दौड़ते हुए अपने बॉल को लेकर सेंटर लाइन की तरह आ रहे हैं गोल मार दिया है गोशन ने यहाँ पे खूबसूरत गोल एक अगर ये जोरदार शॉट मारते हैं तो दूसरा गोल भी हो जाएगा तो देखना है कि क्या कारनामा करते हैं दूसरा गोल की भी तैयारी देखना है कि दूसरा गोल करे बॉल को लेकर जा रहे हैं गोशन के प्लेयर्स एक अच्छा मौका है गोशन के प्लेयर्स के लिए या कई बार दिख रहे बॉल को गोल पोस्ट की तरह लेते हुए एक सुनहरा मौका गोशन की टीम के लिए गोल करने का और ये दूसरा गोल कर दिया है लेकिन बॉल थर्ड लाइन नहीं अभी भी अटकी हुई है गोल है या क्या है अभी तक कोई मंजूर कोई इशारा नहीं कर रहा है बॉल थर्ड लाइन के बाहर भी नहीं गई है अभी वापस उस के साथ तो बॉल की पोजीशन बना रहे हैं अगर गोल हो जाता है यहाँ पे तो डफुक का इजाजत मिल जाएगा ये चीज कर दिया है गोशन ने दूसरा गोल कर दिया तो अब डफुक की इजाजत इनको मिल जाएगी सिर्फ गोशन 2 गोल डफुक के बाद अगर सीधे गोल हो जाता तो तीसरा गोल काउंट किया जाएगा वरना मैच यहीं पे बंद हो जाएगा रेफरी से गुजारिश है कि डफुक के लिए आप बॉल को लेकर दूसरा गोल लेके जहां जाफर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जाकिर है सॉरी ओ जाकिर शॉट मारना चाहते थे रेफरी इसी के साथ मैच का अख्तिताम हो चुका है तो रेफरी गोल जज बॉल को रोके बहुत बहुत शुक्रिया दोनों टीमों ने खूबसूरत मैच खेला तो आप दोनों टीमों से गुजारिश है कि इसके बाद